नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत, भारत में बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को अपने पसंदीदा प्रतिनिधि को वोट देने का संवैधानिक अधिकार है। भारत में चुनावी प्रक्रिया को संपन्न कराने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग पर है। पूरे देश में चुनाव पारदर्शी तरीके से हों, इसके लिए निर्वाचन आयोग तमाम तैयारियां करता है। इसी दिशा में किसी भी व्यक्ति को वोट देने के लिए वोटर आईडी कार्ड की व्यवस्था की गई, जो देश में लगभग हर व्यक्ति के पास है जिसकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर है। पर इतने बड़े देश में जिसकी जनसंख्या इतनी ज़्यादा है, उसमें ये पूरी व्यवस्था करना काफ़ी बड़ा काम है। अक्सर ऐसा होता है कि हम अपने वोटर आईडी कार्ड में कुछ छोटी छोटी गड़बड़ियों का सामना करते हैं, जैसे नाम की स्पेलिंग या जन्मतिथि का गलत लिखा होना, और हमें पता नहीं होता कि उसे ठीक कैसे कराया जाए। निर्वाचन आयोग जब से अपने वजूद में आया है, वो समय समय पर कई बड़े सुधार करता रहा, जिससे न सिर्फ गड़बड़ियों में कमी आई बल्कि इस प्रक्रिया को आधुनिक करने का काम भी बेहद तेजी से किया गया। मतदाता सूची को त्रुटि हित बनाने के लिए चुनाव आयोग ने विशेष अभियान शुरू किया है, जिसका नाम है इलेक्टर्स वेरिफिकेशन प्रोग्राम। ये अभियान 1 सितंबर से शुरू हो गया है, जो देश भर में 15 अक्टूबर तक चलाया जाएगा। इस प्रक्रिया को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से किया जा सकता है, यानी अब आप घर बैठे अपने वोटर आईडी को वेरीफाई करा सकते हैं, साथ ही साथ अपने और अपने परिवारजनों के वोटर आईडी में सुधार भी कर सकते हैं। कुछ सिंपल स्टेप्स को फॉलो करके आप ये काम आसानी से घर बैठे कर सकते हैं। आज विशेष में हम बात करेंगे मतदाता सत्यापन कार्यक्रम की, साथ ही जानेंगे इसके लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को। इसके अलावा मतदाता पहचान पत्र के महत्व और उपयोग पर भी एक नजर डालेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। मतदाता सूची को दुरुस्त करने और किसी भी प्रकार की त्रुटि से बचने के लिए चुनाव आयोग ने देश भर में व्यापक मतदाता सत्यापन कार्यक्रम शुरू किया है। यह अभियान 1 सितंबर से 15 अक्टूबर तक चलेगा। इसका मकसद वोटर लिस्ट के आंकलन और सेल्फ वेरिफिकेशन के जरिए उसे दुरुस्त करना है। मतदाता सूची को क्राउड सोर्सिंग के जरिए अपडेट किया जाएगा। इस अभियान को जनभागीदारी से पूरा किया जाएगा। वोटर लिस्ट की गड़बड़ी को सुधारने के लिए यह बेहद महत्वपूर्ण पहल है। मतदाताओं का ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से सत्यापन किया जाएगा। अब अगर आपको अपना वोटर आईडी वेरीफाई करवाना है तो उसके लिए सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब चुनाव आयोग ने विशेष अभियान शुरू किया है, इलेक्टर्स वेरिफिकेशन प्रोग्राम। चुनाव आयोग का नया व्यापक मतदाता सत्यापन कार्यक्रम यानी इलेक्टर्स वेरिफिकेशन प्रोग्राम देश भर में 1 सितंबर से शुरू हो गया है। ये अभियान देश भर में 15 अक्टूबर तक चलाया जाएगा। मतदाता सूची को त्रुटि रहित बनाने के लिए सभी बूथों पर ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके तहत अब कोई भी अपना मतदाता पहचान सत्यापित करा सकता है। ये 1 सितंबर से 15 अक्टूबर तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक मुहिम चलाई है। अपने जो वोटर लिस्ट में सब लोगों के जो डिटेल्स हैं, वो अपने डिटेल्स वेरीफाई करें और ऑथेंटिकेट करें। ये एक तरीके का अभियान है ताकि वोटर लिस्ट जो हमारी है वो दुरुस्त हो और उसमें कोई कमी ना हो, कोई अगर एरर्स हैं तो वो रेक्टिफाई करवा लें लोग। ये प्रक्रिया ऑनलाइन भी की जा सकती है और ऑफलाइन भी। इस अभियान का मकसद मतदाता सूची में सुधार करना है। मतदाता सूची की विशेष समीक्षा के दौरान योग्य नागरिकों का पंजीकरण करना है, खुद से सत्यापन करने और अगर कोई गलती रह गई तो उसे दुरुस्त करने के लिए सशक्त बनाना है, यानी जन भागीदारी के जरिए इस अभियान को पूरा किया जाएगा। चुनाव आयोग ने सभी मतदाताओं से अपील की है कि कार्यक्रम के तहत अपने और परिवार के सदस्यों के नाम का सत्यापन जरूर कराएं। इसका मेन मकसद ये है कि पब्लिक को ये जो
प्रोसेस है वोटर लिस्ट को इम्प्रूव करने का, उसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन हो, लोगों की अपनी भागीदारी से ये काम हो, तो ये इसका एक बहुत बड़ा मकसद है। कोई भी वोटर जो एलिजिबल है, कोई भी नागरिक जो एलिजिबल है मतदान करने के लिए, वो छूटे ना, एक तो ये मकसद है। दूसरा ये है कि जो हमारी वोटर लिस्ट है उसमें खामियां ना हो, जैसे कि एक व्यक्ति की डेथ हो गई है लेकिन उसका नाम वोटर लिस्ट में है, तो वो जो उसके परिवारजन हैं वो फॉर्म 7 भर के इसी दौरान उनका नाम हटवा लें, डिलीट करवा लें। और कोई व्यक्ति जिसका नाम है वोटर लिस्ट में लेकिन वो परमानेंटली कहीं और शिफ्ट कर गए हैं, तो परिवारजन उनका भी नाम वहाँ से इस एड्रेस से डिलीट करवा सकते हैं। और किसी की मल्टीपल एंट्रीज़ हैं, कई सारी एंट्रीज़ होती हैं कई लोगों की, तो वो भी एक एंट्री को छोड़ के जहाँ वो वाकई रह रहे हैं, बाकी सब एंट्रीज को, जो फालतू एंट्रीज हैं, उनको डिलीट करवा लें। सभी मतदाताओं का ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से सत्यापन किया जाएगा। ऑनलाइन वोटर हेल्पलाइन ऐप या राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल NVSP पर लॉगिन कर वोटर लिस्ट को सत्यापित कर सकते हैं। ऑनलाइन के लिए वोटर को NVSP.in पर जाकर अपना यूजर ID बनाना होगा। मतदाता सत्यापन कार्यक्रम के तहत हर परिवार से एक मतदाता को यूजर नेम और पासवर्ड मिलेगा। इससे वो मतदाता रजिस्ट्रेशन से जुड़े सारे दस्तावेज अपलोड करेगा और अपने या अपने परिवार के बारे में इस तरह का ब्यौरा उसमें डालेगा। इस ब्यौरे की पुष्टि प्रखंड स्तरीय अधिकारी यानी BLO करेंगे। ऐसा करने से काफी समय बचेगा। हर परिवार का एक व्यक्ति अपने परिवार के लिए एक अकाउंट बनाए, NVSP.in पे ऑनलाइन अकाउंट बना सकते हैं, या फिर वोटर हेल्पलाइन ऐप जो है मोबाइल ऐप, उस पे भी अकाउंट बना सकते हैं। तो ये यूज़र अकाउंट उसको बनाना है अपना, जिसमें कि उनको बेसिकली तीन चीज़ें चाहिए, एक तो उनका मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस और वोटर ID नंबर, फिर एक पासवर्ड क्रिएट करेंगे वो खुद ही, और उसके बाद वो रजिस्टर हो जाएंगे, उनका अकाउंट बन जाएगा। ये अकाउंट बनने के बाद वो लॉगिन कर लें, और जब लॉगिन करेंगे तो जो जिसने अकाउंट क्रिएट किया है उसकी जो एंट्री है वो उसमें दिखाई देगी, वो उसको फैमिली में ऐड करे, ऐड टू फैमिली करके सेल्फ को, और सेल्फ को वेरीफाई करे। मतदाता सत्यापन कार्यक्रम सभी राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों में शुरू किया गया है। इस काम को राज्य मुख्यालय स्तर पर 36 CEO, जिला स्तर पर 440 जिला चुनाव अधिकारी और करीब 10 लाख चुनाव केंद्रों पर चुनाव पंजीकरण अधिकारी पूरा करेंगे। इसके बाद रिव्यू ड्राफ्ट का प्रकाशन होगा, जिसकी अंतिम तिथि 1 जनवरी 2020 है। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन जनवरी के पहले या दूसरे सप्ताह में किया जाएगा। अनु दीवान, राज्यसभा TV। देश में होने वाले चुनाव के दौरान कोई भी मतदाता नहीं छूटे और सभी मतदाता अपने मत का प्रयोग कर सकें, इसके लिए चुनाव आयोग ने मतदाता पहचान पत्र के विवरण के सत्यापन और प्रमाणीकरण के लिए मतदाता सत्यापन कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम के जरिए मतदाताओं और उनके परिवार के सदस्यों के चुनावी विवरण को प्रमाणित और सत्यापित किया जाएगा। इसके लिए चुनाव आयोग ने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह की व्यवस्था की है। आइए जानते हैं कैसे कोई मतदाता इस सूची में अपने विवरण को अपडेट करा सकता है। मतदाता सूची भारत की नींव है, जिस पर भारत के चुनाव आयोग के संरचना की पूरी नींव खड़ी है। चुनाव आयोग समय समय पर मतदाता सूची को दुरुस्त करने और नए मतदाताओं को जोड़ने के लिए अभियान चलाता रहता है। इस बार चुनाव आयोग ने देश में मतदाता सूची के स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए EVP यानी मतदाता सत्यापन कार्यक्रम लॉन्च किया है, जिसका मकसद मतदाता सूची को अपडेट करना है, ताकि आगामी चुनावों में सभी मतदाताओं के मत को सुनिश्चित किया जा सके और चुनाव आयोग बेहतर चुनावी सेवाएं प्रदान कर सके। इस बार मतदाता सूची को जन भागीदारी के माध्यम से अपडेट किया जाएगा। इसके लिए चुनाव आयोग हर परिवार के एक मतदाता को यूजर नेम और पासवर्ड देगा। इसके बाद वो व्यक्ति
मतदाता रजिस्ट्रेशन से जुड़े सारे दस्तावेज अपलोड करेगा या अपने परिवार का ब्यौरा उसमें डालेगा। मतदाता सूची में प्रविष्टियों के सत्यापन के लिए मतदाता को निर्वाचन आयोग द्वारा बताए दस्तावेजों में से किसी एक को अपलोड करना होगा। वोटर की डिटेल वेरिफिकेशन के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट की लिस्ट में चुनाव आयोग ने 3 और डॉक्यूमेंट्स जोड़े हैं। ये डॉक्यूमेंट्स पैन कार्ड, RGI द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड और एड्रेस प्रूफ के लिए नए पानी, टेलीफोन, बिजली या गैस कनेक्शन बिल है। बिल में आवेदक या उसके निकट संबंधी जैसे माता पिता के नाम पर होना चाहिए। इसके अलावा पहले से जो 7 डॉक्यूमेंट स्वीकार किए जाते हैं उनमें पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार, राशन कार्ड, सरकारी या अर्ध सरकारी अधिकारियों के लिए जारी पहचान पत्र, बैंक पासबुक और किसान पहचान पत्र शामिल हैं। इनमें से किसी भी एक दस्तावेज को सत्यापन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। एक आईडी, अपना एक आईडी डॉक्यूमेंट, जैसे कि राशन कार्ड हो या ड्राइविंग लाइसेंस हो या पासपोर्ट हो, आधार कार्ड हो, बैंक पासबुक, इस टाइप के कोई भी डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट वो अपलोड करते हैं। इसके बाद उनकी फैमिली में जितने भी वोटर हैं उनके भी इसी प्रकार उनका वोटर आईडी नंबर देके उनके नाम भी उसमें ऐड कर लें फैमिली में, तो वो सारी लिस्ट उनको दिखाई देगी। फिर एक एक करके सबकी एंट्रीज वेरीफाई कर लें और सबका अलग अलग अपना आईडी डॉक्यूमेंट अपलोड कर दें, तो इससे ऑथेंटिकेट हो जाएगा सबका। अगर किसी में कोई करेक्शन की ज़रूरत है तो वो भी इंडिकेट करेंगे कि इसमें करेक्शन चाहिए, क्योंकि उसमें ऑप्शन मांगा है, तो फिर वो अपने आप फॉर्म 8 जनरेट हो जाएगा उनके लिए और वो करेक्ट डिटेल्स दे देंगे तो वो दुरुस्त हो जाएगा। वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन के लिए मतदाता को पहले nvsp.in पर मोबाइल नंबर, मतदाता कार्ड नंबर और ईमेल के साथ रजिस्टर करना होगा। इसे गूगल प्ले स्टोर से वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करके भी किया जा सकता है। हर वोटर के सत्यापन में एक आईडी अपलोड करनी है। जब वोटर अपनी सूचनाएं वेरीफाई कर देगा उसके बाद BLO यानी बूथ लेवल ऑफिसर स्मार्टफोन के साथ उसे वेरीफाई करने घर घर जाएंगे। वोटर को तब अपनी आईडी और डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे। BLO घर घर जाकर मतदाता सूची में दर्ज नाम, घर, पता, आयु, लिंग, फोटो, स्थायी रूप से स्थान त्याग या मृत्यु आदि का सत्यापन करेंगे और विसंगतियों और त्रुटियों को दुरुस्त करेंगे। इसके साथ ही हर घर की GIC मैपिंग की जाएगी। हमारे जो बूथ लेवल ऑफिसर होता है वो बाद में जाके जो डॉक्यूमेंट उन्होंने सबमिट किया है वो जाके उनको वेरीफाई करेंगे और वोटर्स को वेरीफाई करेंगे। वो एक जो सरकारी प्रक्रिया है वो काम करेंगे, लेकिन उससे पहले सब लोग अपना खुद ही वेरीफाई करके वो करें। फिर सिस्टम एक चेकलिस्ट जनरेट करेगा, तो हर BLO के अपने एरिया के जितने भी वोटर्स ने किया है उनकी चेकलिस्ट आ जाएगी, वो चेकलिस्ट के अनुसार जाके और वो वेरिफिकेशन कर लेंगे, उनके साइन वाइन करवा लेंगे, तो वो प्रक्रिया BLO उस वक़्त करेंगे। और अगर कोई व्यक्ति किसी कारण से अपने खुद को वेरीफाई नहीं कर पाया तो वो BLO उस वक़्त उनकी हेल्प कर देंगे। ऑनलाइन के अलावा इसे ऑफलाइन भी किया जा सकता है। ऑफलाइन वोटर वेरिफिकेशन के लिए वोटर सेंटर और कॉमन सर्विस सेंटर आदि पर ज़रूरी कागजात लेकर जाया जा सकता है। कॉमन सर्विस सेंटर यानी CFC, इसके लिए डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए 1 रुपये, फ़ोटो अपलोड करने के लिए 2 रुपये और फॉर्म 6 सबमिट करने के लिए 1 रुपये जैसी मामूली फीस लेंगे। फीस हर CSE पर डिस्प्ले होगी। सिस्टम के 2 प्लेटफॉर्म हैं। एक तो ये कि हमारे हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक वोटर सेंटर होता है, वो वोटर सेंटर्स की लिस्ट, हमारी 70 कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं तो 70 वोटर सेंटर हैं, उनकी लिस्ट जो है हमारी www.ceodelhi.gov.in, ये हमारी वेबसाइट है, उस पर उपलब्ध है। तो आपके नज़दीक का जो वोटर सेंटर है आप वहाँ जाके भी ये करवा सकते हैं। आप अपने साथ वो वोटर आईडी नंबर कार्ड्स लेके जाएं सभी सदस्यों के और आईडी डॉक्यूमेंट्स लेके जाएं, तो वहाँ पे आपका ये आप सत्यापन कर पाएंगे। और दूसरा प्लेटफॉर्म है CSE का, कॉमन सर्विस सेंटर्स, तो वो भी लिस्ट हमारी वेबसाइट पे है। आप अपने नज़दीक के कॉमन सर्विस सेंटर जाके
वहाँ भी करवा सकते हैं। तो ये ऑफलाइन मोड और ऑनलाइन मोड दोनों मोड पे उपलब्ध है। 15 अक्टूबर तक चलने वाले इस मतदाता सत्यापन कार्यक्रम से न केवल मतदाता सूची में सुधार होगा बल्कि मतदाता सूची के विशेष समीक्षा के दौरान योग्य नागरिकों का पंजीकरण भी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मतदाता पहचान पत्र आज हर भारतीय नागरिक की सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। वोटर आईडी ने न सिर्फ निष्पक्ष चुनाव कराने में अहम भूमिका निभाई है बल्कि चुनाव आयोग में लोगों की भागीदारी को भी बढ़ाने का काम किया है। आइए जानते हैं मतदाता पहचान पत्र क्या है, भारत में कैसे इसकी शुरुआत हुई और इसका उपयोग आप कैसे कर सकते हैं। भारत की आजादी के बाद जो सबसे बड़ी ताकत देश के लोगों को मिली वो थी लोकतंत्र की ताकत, चुनाव के जरिए सरकार चुनने का अधिकार। लोकतंत्र की सबसे बड़े अधिकार के साथ कोई खिलवाड़ ना हो या किसी भी हालत में कोई नागरिक इस अधिकार से वंचित ना हो, इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने अगस्त 1993 में चुनावी तालिका की शुद्धता में सुधार करने और चुनावी घोटालों को रोकने के प्रयास में देश के सभी मतदाताओं के लिए मतदाता पहचान पत्र बनाने का आदेश दिया। आयोग ने नवीनतम तकनीकी नवाचारों का लाभ उठाने के लिए मई 2000 में मतदाता फोटो पहचान पत्र यानी EPIC कार्यक्रम के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए। वोटर आईडी हर नागरिक को उपलब्ध हो सके इसके लिए सरकार ने बड़े पैमाने पर काम किया। मतदाता पहचान पत्र की जरूरत 80 के दशक में महसूस की जाने लगी क्योंकि तब फर्जी तरीके से कोई भी किसी और के नाम पर वोट डालता था। पहचान पत्र ना होने की वजह से लोगों में जागरूकता की कमी भी थी और लोग वोट डालने से कतराते भी थे। इस समस्या से निपटने और मतदाताओं को परिचय पत्र जारी करने की सिफारिश 1981 में सबसे पहले तब के प्रमुख चुनाव आयुक्त श्री श्याम लाल शकधर ने किया था। आज वोटर आईडी देश के लगभग हर नागरिक के पास उपलब्ध है। अब तक पूरे भारत में 450 मिलियन से ज्यादा मतदाता या चुनाव पहचान पत्र वितरित किए जा चुके हैं। मतदाता पहचान पत्र या मतदाता फोटो पहचान पत्र निर्वाचन आयोग से जारी किया जाता है। ये एक ऐसा पहचान पत्र है जो सभी योग्य मतदाताओं को चुनाव के दिन उनकी मतदाता पहचान को सुनिश्चित करने में मदद करता है। जिन लोगों का नाम पहले से ही मतदाता सूची में नामांकित है वो मतदाता पहचान पत्र प्राप्त करने के योग्य हैं, जिसे चुनाव कार्ड के रूप में भी जाना जाता है। इन चुनाव कार्डों में व्यक्तिगत विवरण के साथ एक विशिष्ट पहचान संख्या छपी होती है। आगे चलकर भविष्य में बायोमेट्रिक रूप का डेटा जैसे डिजिटल हस्ताक्षर और फिंगरप्रिंट भी दिए गए चुनाव कार्ड में माइक्रोचिप के अंदर निहित किए जा सकते हैं। आपका वोटर आईडी सिर्फ मतदान के लिए ही उपयोगी नहीं है बल्कि कई क्षेत्र में ये आपके पहचान को ठोस आधार देता है और नागरिक के तौर पर आपका सत्यापन करता है। EPIC सभी भारतीयों के लिए एक शक्तिशाली पहचान पत्र है। एक बैंक खाता खोलने, नया गैस कनेक्शन करवाने, यात्रा और आवास के लिए प्रमाण पत्र के तौर पर स्वीकार किया जाता है। आपके ऑनलाइन आरक्षण के लिए पहचान प्रमाण और पता प्रमाण के रूप में भी कार्य करता है। आजकल लगभग सभी सरकारी एजेंसियां, बीमा कंपनियां, बैंक एजेंसियां, दवा कंपनियां बीमा क्लेम के लिए मतदाता पहचान संख्या की मांग करती हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने निवास स्थान के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर जाकर बसता है तो चुनावी तालिका में पंजीकरण के लिए भी एक मतदाता पहचान पत्र आवश्यक होता है। कोई भी व्यक्ति जो वोट देने का अधिकार चाहता है उसे भारत निर्वाचन आयोग से जारी वैध मतदाता पहचान पत्र की आवश्यकता पड़ेगी। यही वैध मतदाता कार्ड मुख्य रूप से भारतीय नागरिकों के लिए पहचान प्रमाण पत्र के रूप में कार्य करता है
और इसका उपयोग कर मतदाता नगर, राज्य या राष्ट्रीय चुनावों में अपना वोट डालता है। वोटर पहचान पत्र पाने के लिए जो मानदंड अनिवार्य हैं, उसके मुताबिक आवेदक के पास भारतीय नागरिकता होनी चाहिए और आवेदक के आयु की योग्यता 18 साल या इससे अधिक होनी चाहिए। मतदाता फोटो पहचान पत्र प्राप्त करने के लिए पता प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, पासपोर्ट आकार की फोटो और मतदाता आईडी आवेदन पत्र दस्तावेज के तौर पर मांगा जाता है। धीरे धीरे निर्वाचन आयोग मतदाता पहचान पत्र को बनाने की प्रक्रिया को आसान बनाने के साथ डेटा को सही करने की कवायद में जुट गया है, जिसके तहत वेरिफिकेशन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में चुनाव सबसे अहम है, जिसमें देश के नागरिक अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर जनप्रतिनिधि चुनते हैं और देश के विकास की प्रक्रिया में भागीदार बनते हैं। आजादी के बाद से अभी तक मतदान प्रक्रिया का स्वरूप काफी बदल चुका है। मतदान की प्रक्रिया को निष्पक्ष बनाने और मतदाताओं के अधिकार को मजबूत बनाने के लिए देश में संविधान में कई प्रावधान किए गए हैं। मतदान की प्रक्रिया में ईवीएम ने भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाई है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश यानी भारत में आम नागरिकों के पास सबसे बड़ा अधिकार मतदान का है। भारत के हर नागरिक जिसकी उम्र 18 साल है या इससे अधिक है, उसे अपनी पसंद की सरकार चुनने का अधिकार है। यह अधिकार हर मतदाता को भारत का संविधान देता है। संविधान लागू होने की शुरुआत से ही भारत में मतदान करने का अधिकार पुरुष और महिलाओं को समान रूप से दिया गया। भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी खासियत यही है कि संविधान लागू होने के बाद से ही यहाँ हर नागरिक को बिना किसी भेदभाव के मतदान का अधिकार मिला है। 26 जनवरी 1950 को हमारा देश गणतांत्रिक बना, यानी इसी दिन से हमारे देश का संविधान लागू हुआ। उसी के एक दिन पहले 25 जनवरी 1950 को संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचनों के लिए निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग के गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 326 के जरिए हमें वयस्क मताधिकार हासिल है। शुरुआत में मतदान के अधिकार के लिए न्यूनतम आयु 21 साल थी। 1988 में हुए 61वें संविधान संशोधन के जरिए वयस्क मताधिकार को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। संसद और राज्य विधायिकाओं के चुनाव कराना दो कानूनों के प्रावधानों से शासित होता है। ये दो कानून हैं जनप्रतिनिधित्व कानून 1950 और जनप्रतिनिधित्व कानून 1951। संविधान लागू होने के बाद देश का पहला चुनाव 1951-1952 में हुआ था। इसमें 5 महीने का समय लगा था। अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 तक पहले चुनाव की प्रक्रिया चली। पहले चुनाव बैलेट पेपर के जरिए होते थे। बैलेट पेपर से चुनाव में लंबा वक्त लगता था। मानव संसाधनों की भी ज्यादा जरूरत होती थी। मतगणना में भी काफी वक्त लग जाता था। बैलेट पेपर से जुड़ी कई खामियों को दूर करने के लिए बाद में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम का इस्तेमाल शुरू किया गया। एक नजर डालते हैं भारत में ईवीएम के इतिहास पर। पहली बार 1982 में केरल के परूर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के 50 बूथों पर ईवीएम का इस्तेमाल किया गया। 1983 में ईवीएम को वैधानिक रूप देने का आदेश केरल उच्च न्यायालय ने दिया और इसे जरूरी मानते हुए दिसंबर 1988 में संसद ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन करते हुए नई धारा 61A जोड़ दिया। इससे चुनाव आयोग को ईवीएम से वोटिंग कराने का अधिकार मिला। लेकिन ईवीएम का अस्तित्व में आना इतना आसान नहीं था। केंद्र सरकार ने 1990 में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों के प्रतिनिधित्व को लेकर चुनाव सुधार समिति बनाई, जिसे ईवीएम के इस्तेमाल पर अपने विचार रखने थे। समिति ने अपने विचार में कहा कि मशीनें छेड़छाड़ मुक्त हैं। 24 मार्च 1992 को केंद्रीय विधि और न्याय मंत्रालय ने कानून में संशोधन की अधिसूचना जारी कर दी।
1998 के बाद से आम चुनाव और उपचुनाव में संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में ईवीएम का इस्तेमाल किया जा रहा है। 2004 आम चुनाव पूरी तरह से ईवीएम के जरिए संपन्न कराया गया। ईवीएम के जरिए भारत ने पारदर्शी चुनाव की तरफ एक लंबी छलांग लगाई, तो हर चुनाव में चुनाव आयोग ने भारतीय मतदाताओं को और सशक्त बनाया। मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए गांव-गांव, शहर-शहर जागरूकता अभियान चलाया और सुदूर क्षेत्रों में बूथों तक पहुंचने के लिए सुविधाएं बढ़ाई। सभी मतदाताओं को चुनाव में भाग लेने वाले प्रत्याशियों की जानकारी का पूरा अधिकार है। अब तो नोटा का विकल्प भी मतदाताओं के पास है। इसके जरिए मतदाता चुनाव में खड़े उम्मीदवारों में से किसी को वोट देने के लिए मजबूर नहीं है, बल्कि नोटा का विकल्प चुनने को स्वतंत्र हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो आज के विशेष में इतना ही। उम्मीद है आपको विशेष का ये अंक पसंद आया होगा। आप ये हमारा कार्यक्रम YouTube पर भी देख सकते हैं, जहां आपकी प्रतिक्रियाओं और सुझावों का हमेशा इंतजार रहता है। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए राज्यसभा टेलीविजन के साथ। नमस्कार।